बच्चों गुड मॉर्निंग। कल तक के हमने क्रमशः में क्रम गुणित का अर्थ या फैक्टोरियल क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया था। फैक्टोरियल जीरो का मान क्या होता है या एक बटे ऋण आर का फैक्टोरियल क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पिछले कालखंडों में अध्ययन किया था और उसकी सहायता से क्रमचयों की संख्या कितनी होती है, कैसे ज्ञात करते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। अब हम आज पढ़ेंगे कि प्रतिबंधित क्रमचय क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट है प्रतिबंधित क्रमचय। क्रमचय से हमको इतना तो पता चल गया कि समूहों की संख्या ज्ञात करनी होती है और प्रतिबंधित क्रमचय का मतलब यह होता है कि यदि उसमें कोई शर्त लागू हो, जैसे मान लो आप लोग कक्षा में 45 लड़के बैठे हुए हो और उस 45 लड़के में कोई स्पेशल लड़का है जिसको हर बार लिया जाना है, तो यहाँ पर एक शर्त लागू हो गया कि 45 लड़कों में से एक स्पेशल लड़का को हर बार लिया जाना है तो कितने क्रमचय बनेंगे, या कोई स्पेशल लड़का को किसी भी बार नहीं लिया जाना है तो कितने क्रमचय बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे शर्त लागू हो जाते हैं। तो जब शर्त लागू हो जाते हैं तो उस तरीके के क्रमचय को हम प्रतिबंधित क्रमचय कहते हैं। जैसे एक उदाहरण हम ये बोल सकते हैं कि n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेने पर बने क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना, क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना। जबकि अब यहां पर देखो एक शर्त जुड़ गया, n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेने पर बने क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना। जबकि सबसे पहला एक शर्त ये जुड़ गया कि कोई विशेष वस्तु प्रत्येक बार ली जाए, और दूसरा शर्त हो गया कि कोई विशेष वस्तु कभी न ली जाए। तो इस प्रतिबंधित क्रमचय में देखिए, हम आपको ये बताया प्रतिबंधित क्रमचय में कि एक शर्त जुड़ा हुआ रहता है। हमको बोल रहा है कि n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेने पर बने क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना। जबकि शर्त क्या जुड़ गया कि कोई विशेष वस्तु प्रत्येक बार ली जाए और कोई विशेष वस्तु कभी न ली जाए। तो इस तरीके में क्या होता है, जो पहला नंबर वाला है इसके बारे में हम देख रहे हैं, पहले नंबर वाले में कि कोई विशेष वस्तु प्रत्येक बार ली जाए, इसमें क्या होता है कि हमारे पास यदि n असमान वस्तुएं हैं, n असमान वस्तुओं को हम ये बोल सकते हैं कि ये जो n असमान वस्तु हैं वो a1, a2, a3, a4 इस तरीके से n असमान वस्तुएं हैं। अब हमको उन क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें हम बोल सकते हैं कि a1 वस्तु जो है वो हर बार ली जा रही है,
A1 वस्तु हर बार ली जा रही है। तो जब A1 वस्तु हर बार ली जाएगी और कुल वस्तु कितने हैं हमारे n है, और A1 एक वस्तु है जो हर बार ली जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको छोड़ करके हम उसको तो रह नहीं है, A1 को तो रह नहीं है किसी भी ग्रुप में, तो उसको छोड़ करके हम शेष वस्तु को लेकर के क्रमचय ज्ञात कर रहा है। तो यदि हम A1 वस्तु को छोड़ देते हैं तो हमारे पास वस्तुओं की संख्या कितनी बच जाएगी, n-1, क्योंकि कुल वस्तु की संख्या n है और A1 हर बार ली जा रही है, उसको लेना ही है तो उसको हम छोड़ दिए, तो एक संख्या कम हो गई। अब n वस्तुओं में से हमको R वस्तु लेना है, n असमान वस्तुओं में से R वस्तु को लेना है, उस R वस्तु में A1 भी एक वस्तु है जिसको लेना ही है, उसका जगह रिजर्व है, तो उसका जगह रिजर्व है तो उसको भी हम छोड़ देते हैं। जब हम उसको छोड़ देते हैं तो शेष वस्तु कितने बचेंगे, R-1। तो हमको n-1 में n-1 PR-1 n-n वस्तुओं में से R-1 स्थानों के लिए क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी है, जिसमें ये क्या हो गया, A1 हर बार आ रहा है। अब ये जो A1 है ये कितनी बार तक के है, कुल वस्तुओं की संख्या क्या है, n है, कुल स्थान n है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, A1 कभी यहां पर रह सकता है, दूसरे ग्रुप में A1 यहां पर रह सकता है, सभी वस्तु को लेकर के हम समूह बना रहे हैं, तीसरे ग्रुप में A1 यहां पर रह सकता है। तो हम इस तरीके से क्या बोल सकते हैं, A1 जो है उसको हम n प्रकार से n स्थानों पर रख सकते हैं A1 को। लेकिन हमको कितने वस्तु को रख, तो हम n प्रकार से सकते हैं, लेकिन हमारे पास स्थान कितना है, R स्थान है, n वस्तुओं को R स्थान में लेकर के बनाना है। तो A1 वस्तु को हम R जगह रख सकते हैं, और हम आपको क्रमचय के मूल सिद्धांत में सबसे पहला दिन बताए थे कि जब दो क्रियाएं साथ साथ चलती है तो उनका गुणा हो जाता है m गुणित n, सबसे पहला दिन बताए थे। तो यहां पर भी क्या है, हमारे पास R स्थान है और A1 को हम R स्थान में रख सकते हैं, तो इसमें हम किसका गुणा कर देंगे, R का गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से कोई विशेष वस्तु प्रत्येक बार यदि ली जाती है, कोई विशेष वस्तु यदि प्रत्येक बार ली जाती है तो उसके क्रमचयों की संख्या या कित R वस्तु लेकर के यदि हम बनाए समूह बनाए तो उसके क्रमचयों की संख्या हो जाएगी R गुणित n-1 PR-1। ये एक सूत्र निकल जाता है। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्रमचय में कि तर्कों के द्वारा उसको सिद्ध करना होता है, तर्क की सहायता से हम उसको सिद्ध करते हैं कि वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब दूसरा स्थिति आता है कि कोई विशेष वस्तु कभी न ली जाए। अब यदि n असमान वस्तु है, R स्थान है और A1 एक ऐसा वस्तु है जो कभी नहीं ली जा रही है, तो यदि कभी नहीं ली जाती है तो टोटल n में से एक वस्तु तो कम हो गया, नहीं ले रहे। अब जब टोटल n में से एक वस्तु कम हो गया तो शेष वस्तु कितने बचेंगे, n-1। और n वस्तु में से हमको कितना लेना है, R लेना है, जिसमें A1 ऐसा है जिसको कभी नहीं लेना है। जब उसको रखना ही नहीं है तो उसके जगह में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं रखना है नहीं रखना है, बाकी लोग आ जाएंगे उस जगह में, R तो आ रही रहेगा। तो जब हमको उसको रखना ही नहीं होता है तो उस परिस्थिति में n1 PR हो जाता है। ये यदि हम किसी विशेष वस्तु को कभी नहीं लेते हैं, किसी विशेष वस्तु को कभी नहीं लेते हैं तो उसके क्रमचयों की संख्या, ये सेकेंड नंबर का है, क्रमचयों की संख्या, कोई स्पेशल
जैसे यहां पर हम A1 को बोल के किए कि A1 को कभी नहीं लेना है, तो उस परिस्थिति में उसके द्वारा बने क्रमचयों की जो संख्या है वो हो जाएगी n माइनस वन पी आर वन। और शुरू में जो बचाए थे, दो क्रियाएं जब साथ साथ चलती है तो गुणा हो जाता है जब हम वस्तु को लेते हैं उस परिस्थिति में, लेकिन n वस्तु में से R को लेकर के यदि हमको बनाना है, क्रमचय बनाना है, तो वह जो होता है इन दोनों के योग के बराबर होता है। कहने का आशय यह है कि n वस्तु में से R को लेकर के यदि हम क्रमचय बनाए तो कितना हो जाएगा np R। अब एक बार कभी नहीं ले रहे हैं और एक बार हर हमेशा ले रहे हैं, तो उन दोनों के पहले और दूसरे के जो क्रमचयों का योग है वो किसके बराबर होता है, एन पी आर के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एन माइनस वन पी आर धन आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन, ये भी हमारा एक सूत्र बन जाता है। कई बार क्या होता है, इसका जो सिद्धांत रहते हैं इस सिद्धांत से हमको जल्दी से समझ में नहीं आते, क्योंकि ठीक है हम दो तीन बार इसको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, इसलिए हमको तो वो सरल लगता है, लेकिन आप लोगों को ये लगेगा कि ये क्या बोलते हैं सर। तो यहाँ पर दो चार बार जब हम इसके सवालों का प्रैक्टिस करते हैं, सवालों को जब पढ़ते हैं और जब बनाते जाते हैं, जितना ज़्यादा हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा बनाते जाएंगे, तो उतने ही वो हमको वो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे क्लियर होती जाती है। अब एक चीज़ और आता है इसी में कि चलो इसको मिटा देते हैं पहले। यही चीज को यदि एन पी आर बराबर एन ब्रैकेट में आर इन सॉरी एन माइनस वन पी आर माइनस वन, यदि बिना सूत्र की सहायता से हमको ये सिद्ध करना है एन पी आर बराबर एन गुणित एन माइनस वन पी आर माइनस वन, हम किस तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं। देखिए कि एन वस्तु है हमारे पास, एन असमान वस्तुएं है, और उस एन असमान वस्तुओं में से आर वस्तु को लेकर के क्रमचय बनाना है। एन वस्तु में से आर वस्तु को लेकर के क्रमचय बनाना है तो उसके बने क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी, एन पी आर। इधर का तो लाइन क्लियर है। अब दूसरी स्थिति में देखिए कि एन गुणित एन माइनस वन पी आर माइनस वन हम लिखे हैं, यहां पर जो एन वस्तुओं में से एक वस्तु ऐसा है जिस वस्तु को हम एन प्रकार से ले सकते हैं। यदि हमारे पास लाइन से ए वन ए टू ए थ्री ए फोर लाइन से दिए हुए हैं तो हम प्रत्येक को एन प्रकार से ले सकते हैं, और प्रत्येक को एन प्रकार से ले सकते हैं, यदि उसको हम छोड़ दें तो एक वस्तु भी कम हो जाएगा और एक स्थान भी कम हो जाएगा, और जब एक वस्तु कम हो गया तो हम उसको क्या लिख लेंगे, एन माइनस वन, और एक स्थान कम हो गया तो उसको क्या लिखेंगे हम, आर माइनस वन। तो n माइनस वन पी आर माइनस वन उस स्पेशल वस्तु को छोड़ करके, और जिसको छोड़े हैं उसको भी हम n प्रकार से लिख सकते हैं, उसका स्थान तो कहीं पर भी हो सकता है ना। क्लास में जैसे आप लोग 45 लोग बैठे हो तो एक लड़का 45 प्रकार से बैठ सकता है, 45 जगह बना हुआ है बैठने के लिए, कभी वो पहला नंबर का लड़का एक नंबर में बैठा, कभी 25 नंबर में बैठा, कभी 45 नंबर में बैठा, कभी 10 नंबर में बैठा, तो एक लड़का 45 प्रकार से बैठ सका। अब यदि हम उसी 45 को एन मान लिए तो एक लड़का एन प्रकार से बैठ सका,
तो वही जो एक लड़का एन प्रकार से बैठ सका है वो एन है, और उस एन का गुणा हम टोटल का जब हम निकालेंगे तो उस एन का गुणा एन माइनस वन पी आर माइनस वन के बराबर हो जाएगा, जो उसके कुल क्रमचयों की संख्या को बताती है। तो इस प्रश्नावली में 5.3 प्रश्नावली में इसी प्रतिबंधित क्रमचय से संबंधित हमारे प्रश्न हैं। कुछ सवाल हम इसके हल करते हैं, सवाल जब हम हल करेंगे तो आपको ये ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके सवालों को। ये प्रश्नावली 5.3 है और हमने आपको बताया है कि ये जो क्रमचय वाला अध्याय है, यह अध्याय में हल करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस प्रश्नों को तर्क की कसौटी में कसना है। उससे तर्क करके हमको देखना है कि आखिर क्या नया चीज़ निकल रहा है। जैसे इसका एक दूसरा नंबर का ही सवाल हम लेते हैं। सवाल है आर्टिकल के ARTICLE शब्द से आर्टिकल के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला चीज तो आ गया हमारा कि ARTICLE के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि AIE। अब इसके बाद इसमें प्रतिबंध जुड़ जा रहा है। पहला प्रतिबंध यह जुड़ जाता है कि एक ही साथ रखे जाएं, और दूसरा एक साथ ना रखे जाए। अब यहां पर यह प्रतिबंध जुड़ गया हमारा। ARTICLE के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि AIE, पहला शर्त जुड़ गया कि एक ही साथ रखे जावे, तीनों शब्द हमेशा एक साथ रहें, और दूसरा कि तीनों शब्द एक साथ न रहें, हमेशा वो कैसे रहें, अलग अलग रहें, एक साथ न रहे मतलब अलग रहे। तो पहले हमको प्रश्न को पढ़ करके उसका क्या अर्थ निकलता है ये अपने मन में देख लेना है, सोच लेना है उसको कि हमको किस तरीके से उसका क्या अर्थ निकल रहा है। अब हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस आर्टिकल शब्द ARTICLE में कुल कितने अक्षर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अक्षर। तो शब्द में ARTICLE शब्द में कुल अक्षर बराबर 7। अब इस शब्द में कुल अक्षर 7 है, पहला नंबर को हम ये कर रहे हैं। हमको ये बोलता है कि AIE एक साथ
रखे जाएं तो तीनों को एक अक्षर मानने पर। अब हम तीनों को एक अक्षर मान लेते हैं, इस तीनों को एक अक्षर मान लेते हैं, तीनों को एक अक्षर मानने पर कुल अक्षरों की संख्या, ये तीनों को हम एक मान लिए तो ये एक हो गया, दो तीन चार पांच एक ही बार गिनेंगे उसको, तो तीनों को एक अक्षर मानने पर कुल अक्षरों की संख्या हो गई पांच। अतः पांच अक्षरों से बने, पांच अक्षरों से बने शब्दों की संख्या, पांच अक्षर से बने शब्दों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 5P5। पांच में से पांच को लेकर के हमको बनाना है, और 5P5 के बारे में हम कल बताए थे, फैक्टोरियल n बटे n माइनस r, यहाँ n का भी मान पांच है, r का भी मान पांच है, पांच में से पांच जाएगा शून्य बचेगा, और शून्य फैक्टोरियल का मान एक होता है, कल बताए थे। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा हमारा मान फैक्टोरियल 5, और ये हो जाएगा 120। फैक्टोरियल 5 को यदि आपको डायरेक्ट 120 में नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 बराबर 120। लेकिन ये जो तीन अक्षर हैं, उन तीन अक्षर को भी तो फैक्टोरियल तीन प्रकार से जमाया जा सकता है, किंतु ए आई ई को भी फैक्टोरियल तीन प्रकार से जमाया जा सकता है, अतः कुल क्रमचय, अतः कुल क्रमचय बराबर ये फैक्टोरियल तीन, और दूसरा का मान कितना निकाले हैं 120, फैक्टोरियल पांच का मान 120, और फैक्टोरियल तीन माने तीन दुनी छः, छः का 120 से गुणा करेंगे तो 12 छक्के 72, 720। तो इस तरीके से हम आर्टिकल शब्द में यदि तीन अक्षर ए आई ई एक साथ रहें तो हम उसको उससे बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, 720। क्लियर है, चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद फिर दूसरा वाला पार्ट बताते हैं। और आप लोगों को हमने इसको लिखने के लिए कहा है, तमाशा करने के लिए नहीं कहा है, चुपचाप स्क्रीन की तरफ देखिए और उसको नोट कीजिए। चलिए हो गया, इसका अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट में हमको ये बोला है कि ए आई ई एक साथ न रखे जाए, ये एक साथ न रखे जाए बोल रहा है। हम ये मान करके चलते हैं कि जो शब्द है, शब्द ए आर टी आई सी एल ई में कुल 7 अक्षर हैं, सेकेंड पार्ट है, इस शब्द ए आर टी आई सी एल ई में कुल 7 अक्षर हैं। यदि हम कल्पना करें कि ये सातों अक्षर भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, तो 7 अक्षर को लेकर बने हुए शब्द कितने हो जाएंगे, 7 अक्षरों को लेकर
बने शब्द। सात में से सात को लेकर के बनाना है हमको, तो ये क्या हो जाएगा, सेवन पी सेवन। और सेवन पी सेवन का मतलब फैक्टोरियल सेवन बटे सेवन माइनस सेवन का फैक्टोरियल, ये तो जीरो हो जाएगा। तो सात गुणित छः गुणित पाँच गुणित चार गुणित तीन गुणित दो गुणित एक, इस तरीके से आ गया। सात गुणित छः गुणित पाँच गुणित चार गुणित तीन गुणित दो गुणित एक, और ये होता है हमारा फैक्टोरियल जीरो। फैक्टोरियल जीरो का मान एक होता है। अब इसको आप लोग अपने कापी में गुणा कीजिए जल्दी से। तीन दूनी छः चौक चौबीस और छः पंचे तीस चौबीस तीस और सात, चलिए गुणा कीजिए। कितना आया, 11th क्लास में पहुंच गया हो आप लोग, थोड़ा सा फास्ट गुणा कीजिए। सिर्फ आपको स्क्रीन तरफ देखना भी नहीं है, साथ साथ आपको करते भी रहना है। एक चीज ध्यान रखना, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 11th और 12th क्लास में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपको ये मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आपने बताया 5040। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि यदि वो सभी अलग अलग अक्षर हो तो उन सभी अक्षर को लेकर के जो बने हुए शब्द हैं वो शब्द हो जाएंगे 5040। लेकिन हमको प्रश्न में क्या बोला है कि एक साथ ना रखे जाए और यहां पर एक साथ रखे जाए। तो हम यदि एक साथ रखे जाए वाले जो क्रमचय है उसको घटा दें तो ना रखे जाए वाला निकल जाएगा। ये कुल का निकल गया, कुल का निकल गया। आपका चेहरा यह बता रहा है कि आप यहां पर नहीं समझ रहे हैं। एक चीज देखिए, हम एक साथ रखे जाए ए आई ई को जब हम एक साथ रखते हैं तो उससे बने क्रमचयों की संख्या 720 आई पहले का, ठीक है। अब हम उन सब अक्षरों को अलग अलग भिन्न भिन्न अक्षर मान लिए, ए आई ई भी अलग अलग अक्षर है, तो भिन्न भिन्न अक्षर माने तो सात अक्षर हुए। सात अक्षर से बनने वाले शब्दों की जो संख्या है वो 5040 आई, अभी आपने गुणा करके बताया। अब हमको प्रश्न में ये बोला है कि उन शब्दों की संख्या जिसमें स्वर एक साथ न रहे, उन शब्दों की संख्या जिसमें स्वर ए आई ई एक साथ न रहे, जिसमें स्वर एक साथ न रहे, यही तो हमको ज्ञात करना है। तो इसका मतलब कुल शब्द ऋण वह शब्द जिसमें स्वर सात है। हालांकि ऐसे लिखना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। कुल शब्द में से वह शब्द जिसमें स्वर सात है उसको हम घटा देंगे तो वो शब्दों की संख्या, वो क्रमचयों की संख्या निकल जाएगी जिसमें शब्द सात नहीं है। क्लियर हुआ? तो अब ये कुल शब्द निकला था हमारा 5040, और वह शब्द जिसमें स्वर सात है हम पहले हल किए थे, ये देखो एक साथ रखे जाए तो ये निकल गया था हमारा 720। अब इस तरीके से 5040 में से जब हम 720 घटा देंगे तो कितना बचेगा, घटाइए, जब आप लोगों को कोई काम दिया जाता है तो आप लोग अगल बगल झांकने लगते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। आपको साथ ही साथ काम भी करना है
और ये घटाने से हमको प्राप्त होता है 4320। ये देख लीजिए ना भाई, शून्य से शून्य, चार में से दो गया दो, ये दस में से सात गया तीन, ये पांच का एक कम हो गया तो चार आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया, जब शब्द एक साथ ना रखे जाए 4320। ठीक है, चलिए हम यहां पर आपको इस सवाल को जल्दी जल्दी भी बता सकते थे, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं बताने का आशा ये कि यदि आप एक सवाल को भी बहुत अच्छे तरीके से समझे रहेंगे तो आप बाकी सवाल को आसानी से कर सकते हैं, और हम आपको यहां पर सवाल बताने के लिए हर समय उपलब्ध नहीं रहेंगे। जब आप हमारा डीवीडी या सीडी लगाएंगे तभी उसी सवाल को देख सकते हैं, दोबारा तो देख नहीं सकते। तो इसलिए जो भी चीज़ आपको समझाया जा रहा है बड़े ध्यान से स्क्रीन तरफ देखिए, जैसा कहा जा रहा है वो करिए, क्योंकि आप ऐसे जगह में पढ़ाई कर रहे हो जहां आपके विषय के शिक्षक नहीं हैं, जो आपको उपस्थित होकर के आपके सामने में खड़े होकर के आपके कष्टों को दूर कर सके। चलिए बहुत भाषण हो गया, एक आध सवाल और देखते हैं। लखनऊ LUCKNOW शब्द के अक्षरों से कितने क्रमचय बनेंगे यदि, यहां पर देखिए यह भी प्रतिबंधित समचय है, LUCKNOW शब्द के अक्षरों से कितने क्रमचय बनेंगे यदि, पहला चीज है के मध्य में हो, और दूसरा है L से आरंभ हो तथा W में अंत हो, शब्द L से आरंभ हो तथा W में अंत हो। एक प्रश्न था पहला वाला कि उसको लिया जाए कभी ना लिया जाए, अब ये दूसरा प्रश्न है कि के मध्य में हो। यहां पर LUCKNOW शब्द के अक्षरों की संख्या, शब्द के अक्षरों की संख्या कितनी है, यहां पर अक्षरों की संख्या कितनी है, एक दो तीन चार पांच छह सात, तथा के हमेशा मध्य में हो। यदि के हमेशा मध्य में हो का मतलब क्या हो गया, उसका जगह फिक्स है, एक दो तीन, इधर से भी देखिए एक दो तीन के बीचों बीच में है, उसको कोई नहीं हिला सकता, उसका जगह फिक्स है। यदि हम उसका जगह फिक्स कर देते हैं तो कुल जगह कितने बचेंगे, छह जगह बचेंगे, कुल अक्षर सात हैं, एक का स्थान फिक्स है, तो तथा के हमेशा मध्य में हो तो उस परिस्थिति में तो बचे छह अक्षरों, बचे छह अक्षरों से बने शब्दों, इन्हीं शब्दों को हम क्या बोलेंगे, क्रमचयों की संख्या। और छह अक्षर को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी, 6P6। ये इस 6P6 को हम लिखेंगे फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 का मतलब
छः गुणित पाँच गुणित चार गुणित तीन गुणित दो गुणित एक और पाँच तक के 120 होता है, पाँच का गुणा 120 का गुणा छः से कर देंगे तो आ जाएगा 720। एक आंसर। इस आंसर में हमको क्या पता चल गया कि ये जो के का स्थान है ये हर शब्द में मध्य में ही रहेगा, ये भले बदलते रहेंगे, कभी सी सामने आ गया, कभी एल इधर आ गया या यू सामने आ गया, बाकी बदलते रहेंगे। क्लियर हो गया। अब दूसरा स्थिति हमको क्या बोला है, एल से आरंभ हो तथा डब्ल्यू में अंत हो। दूसरा स्थिति में बोलता है कि एल से आरंभ हो तथा डब्लू में अंत हो तो शेष बचे अक्षर। अब यहां पर देखो, पहला में एल आएगा, आखिरी में डब्लू आएगा, दो जगह फिक्स हो गया, उसको कोई नहीं हिला सकता। तो जब दो जगह फिक्स हो गया, दोनों को बदलना ही नहीं है। आप यदि कक्षा में 45 लोग बैठे हो, कितने क्रमचय बनेंगे यदि पहला लड़का और आखिरी लड़का अपने ही जगह में बैठे रहे, बोले तो उसके जगह में समझ जाओ गोंद लगा हुआ है, उसको हटना ही नहीं है वहां से, बीच के बदलते रहेंगे। तो उसका जगह तो निश्चित हो गया, तो उस निश्चित जगह को छोड़ दो आप, जैसे हम R माइनस वन करके करते थे, तो उस जगह को हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास शेष अक्षर कितने बचेंगे, कितने, जोर से बोलिए, पांच अक्षर बचेंगे। तो यहां पर कुल सात अक्षर थे, वो दो अक्षर को हमने छोड़ दिया, तो शेष बचे अक्षर पांच होंगे। अब ये जो पांच अक्षर बचे, इस पांच अक्षर को से बने पांच अक्षरों से बने क्रमचय, पांच अक्षरों से बने क्रमचय हो जाएगा 5P5 या फैक्टोरियल 5, चूंकि हम कई बार कर चुके हैं तो इस फैक्टोरियल 5 का हमने डायरेक्ट लिख दिया, फैक्टोरियल 5 बराबर कितना होता है 120। तो उस दूसरे शर्त के हिसाब से प्रतिबंधित क्रमचय कि L प्रारंभ में हो और अंत में W हो, तो कुल कितने क्रमचय बनेंगे, 120 बनेंगे। यह हमारा आंसर हुआ इसका, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, उसके बाद एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, अलग तरीके का क्वेश्चन। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं कि अंक 3000 व 4000 के बीच स्थित पांच से विभाज्य कितनी संख्याएं 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंकों से बन सकती है, कितने अंकों से बन सकती है जबकि एक संख्या में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हुई हो। प्रश्न बोलता है कि अंक 3000 व 4000 के बीच स्थित 5 से
बीच स्थित और पांच से विभाज्य कितनी संख्याएं 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंकों से बन सकती है जबकि एक संख्या में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हुई हो। सवाल आप पढ़ रहे हो, बड़ा भी लग रहा है, लंबा भी लग रहा है और एक बार में आपका चेहरा देख के ये लग रहा है कि क्या सवाल बता रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन यदि आप इसको बार बार पढ़ोगे सवाल को और हल करोगे, तो यहाँ पर इसमें हम हल करते हैं और हल में देखते हैं कि दिए हुए अंकों की संख्या, दिए हुए अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमको इसी से संख्या बनाना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिए हुए अंकों की संख्या कितनी है 6 है। अब 3000 और 4000 के बीच की जो संख्याएं होंगी, इसमें लिखने का ज्यादा रहता है, हम आपको बताए हैं कि 3000 व 4000 के मध्य की संख्या जो 5 से विभाज्य हो, जो 5 से विभाज्य हो उसका प्रथम अंक 3 व अंतिम अंक 5 होगा, अंतिम अंक 5 होगा तथा जो 4 अंकों से बनी होगी। ये चीज हमारा क्लियर हो गया। 3000 से 4000 के बीच की संख्या मान लो हम बोले 3580 थोड़ी देर के लिए, तो पहला अंक तो 3 ही होगा ना, 3000 से 4000 के बीच का पहला अंक 3 होगा और 5 से विभाज्य है बोल रहा है तो उसके इकाई में 5 होगा या शून्य होगा, तभी वो 5 से विभाज्य हो गया, क्योंकि शून्य यहाँ पर दिया नहीं है तो 5 ही होगा। तो दो स्थान तो निश्चित हो गया, कौन कौन सा स्थान, एक 3 का और ये 5 का, दो स्थान निश्चित हो गया। और हजार का जो अंक होते हैं उसमें कुल कितने अंक होते हैं, 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4 होते हैं कि नहीं, तो उस 4 स्थानों में से दो स्थान में क्या आ जाएंगे, एक स्थान में 3 आएगा और दूसरे स्थान में 5 आएगा। हमारे पास अंक कितने हैं 6, 6 में से कितने अंक निकल गए, 2 अंक निकल गए, तो शेष कितने बचे, 6 में से 2 निकल जाने पर शेष बचे 4 अंक, शेष बचे 4 अंकों में से 2 अंक लेकर बने क्रमचयों की संख्या बराबर 4P2। 6 अंक थे, 2 स्थान निश्चित वाला निकल गया, 4 अंक में से 2 निकल गया तो 2 स्थान भी बचे और 4 अंक बचे तो 4P2 आ गया। अब इस 4P2 को आप हल कर सकते हो, फैक्टोरियल 4 बटे 4 माइनस 2 बराबर फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2, 4 3 और ये फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कट गया, 4 3 12। आपके क्लास की घंटी बज चुकी है इसलिए हमने थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी बताया। और कुल क्रमचयों की संख्या 3000 से 4000 के बीच स्थित जो 5 से विभाज्य हो और 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंकों से लेकर के बनी हो तो उनकी कुल संख्या कितनी निकलेगी, 12 निकलेगी और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आपका यह प्रश्नावली 5.3 के हमने 3 सवाल बताए, बाकी सवाल को आप लोग घर से करके लाएंगे, कल और कोई दूसरा तरीका पढ़ेंगे क्रमचयों का। धन्यवाद।